थोड़ी प्रॉब्लम है वो अपनी स्लीपिंग साइकिल ठीक करो जब तुम स्कूल जाते रहे होगे, तो भी तुम सेवन तक उठ जाते होगे, और आगे अगर तुम जॉब पे भी जाओगे तो तुम्हें सेवन तक उठना ही पड़ेगा तो ट्राई करो कि तुम सुबह जल्दी उठने की हैबिट डाल लो, अभी से तो बेटर होगा तो सेवन सेवन तक उठो दस मिनट अपने आप को टाइम दो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करो मेडिटेशन करो जिससे दिमाग तुम्हारा थोड़ा रिलैक्स हो ठीक फ्रेश हो गया ब्रश करके लाइट सा ब्रेकफास्ट रखो ट्राई टू तो इंक्लूड फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स और मिल्क जिससे तुम्हें फर्स्ट सेशन में नींद ना आ रही हो एट थर्टी से टेन थर्टी फर्स्ट स्टडी सेशन होगा टू आवर्स का अगेन तुम एक एसेंशियल ब्रेक रखोगी टेन थर्टी से एलेवन हाफ आवर का होगा इसमें तुम अपने एसेंशियल बातें कर सकते हो ब्रेकफास्ट अगर प्रॉपर करना है वो कर लो घर के जो काम होते हैं देन उसके बाद दो घंटे का अगेन तुम स्टडी सेशन दोगे इलेवन टू वन टू आर का स्टडी सेशन मैं सब्जेक्ट्स नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो सब्जेक्ट्स तुम्हारे ऊपर हो सकते हैं अब कोई यूपीएससी होगा नीट एस्पिरेंट जेई एस्पिरेंट तो अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स तुम सेट कर लेना मैं स्टडी स्लॉट्स बता रही हूँ सेकंड स्टडी स्लॉट्स दो घंटे का देने के बाद एक अच्छा सा प्रॉपर ब्रेक लोगे तुम वन टू फोर ब्रेक में तुम्हारा लंच भी इंक्लूड होगा बाई नो की लंच के बाद थोड़ी सी नींद आती है और पढ़ने का मन नहीं होता तो दिस इज़ टोटली फाइन मैंने यहाँ पे कोई भी स्टडी स्लॉट नहीं रखा है फोर तक में तो तुम इस टाइम पे अपनी हॉबी परस्यू कर सकते हो किसी को बुक रीडिंग पसंद है तो तुम बुक रीडिंग कर लो नॉवल्स वगैरह जो पढ़ते हो तुम या फिर फॉर एग्जाम्पल मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनानी होती हैं तो मैं वन टू फोर के बीच में बनाऊँगी अपनी यूट्यूब वीडियोज़ किसी को कुछ नहीं करना तुम्हें चाहिए प्रॉपर रेस्ट तो तुम सो जाओ ठीक है दो घंटे का नाप ले लो एक घंटे का वैसे तो तुम्हें एक घंटे से ज़्यादा का नाप नहीं रखना चाहिए बट ठीक है वन टू एंड हाफ आर नाप रख सकते हो तो तुम थ्री तक भी सोओगे तो सो फोर, अच्छा थोड़ा थोड़ा तो तो फोर तो स्लॉट दो घंटे अच्छे से पढ़ोगे अगेन एक तुम्हारा ब्रेक होगा तुम्हारा शाम का टाइम होता है इसमें तुम मंदिर जा सकते हो वॉक कर सकते हो अगर तुम बाहर रहते हो पेरेंट्स से बात करो या जिससे भी तुम्हें हाफ आवर है तुम्हारे पास वॉकिंग टेम्पल पूजा जो भी करनी है तो आधे घंटे में अपने आप को टाइम दो देन इन टू आवर्स का स्टडी स्लॉट शुरू करना है एक अच्छा सा ब्रेक लेने के बाद सिक्स थर्टी से एट थर्टी तक सिक्स थर्टी एट थर्टी अगेन टू आवर्स का स्टडी सेशन फिर रखोगे तुम अपना डिनर ब्रेक डिनर ब्रेक करने के बाद अगेन तुम अपने स्टडी स्लॉट शुरू करोगे अब नाइन्थ से मैं खुद लाइव स्टडी विथ मी सेशन शुरू करती हूँ तो यू गाइज कैन जॉइन अब देखो आई कैन फील जो कोटा में बैठा हुआ है स्टूडेंट जो अकेले प्रिपरेशन कर रहा है इस टाइम पर तुम्हारे कॉम्पिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम पर तुम्हारे फ्रेंड्स भी बहुत टॉक्सिक हो जाते हैं तो तुम पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर सकते कि आज मैंने कितना पढ़ा अगर कम पढ़ाई किया तो हाउ यू विल टेल टू योर पेरेंट्स कि मैंने आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं की या नहीं की तो तुम लाइव स्टडी विथ मी का एक पर्पज़ है वहाँ पर हमारे जैसे ही स्टूडेंट्स होंगे जो नीट जेई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो तुम्हारे अगर बड़े दीदी भैया नहीं हैं तो आई एम हियर टू गाइड यू टू हेल्प यू बाकी चैट्स में भी जो स्टूडेंट्स होंगे वो अल्टीमेटली तुम्हें हेल्प और मोटिवेट ही कर रहे होंगे अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना तुम काफी अकेला फील करने लगते हो तो वो प्रिपरेशन तुम्हारे दिमाग में ना चढ़े क्योंकि काफी सारे सुसाइडल केसेस भी होते हैं नीट जेई में तो इसलिए थोड़ा सा सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है तुम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो थोड़ा सा सिर्फ ब्रेक टाइम अब तुम्हें अपने आप को लिमिट करना है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम तुम बिल्कुल अपना टाइम इसी चीज में वेस्ट कर रहे हो तुम्हें खुद को कंट्रोल करना है कि कितना टाइम मुझे कहाँ देना है वो चीज तुम्हें आनी चाहिए ठीक है इस टाइम पर तुम अगर सिक्सटीन सेवनटीन ईयर्स ओल्ड स्टूडेंट हो अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा खुद पर सेल्फ कंट्रोल रखना सीखो ठीक है तो यहां से तुम अपना स्टडी सेशन लास्ट स्टडी सेशन इलेवन टू वन तक का इलेवन टू ट्वेल्व थर्टी वन तक का दे आराम से सो जाना और फिर मॉर्निंग अगेन शुरू करना अपनी सेवन थर्टी से तो आराम से छः से सात घंटे की स्लीप भी हो जा रही है तुम्हारी नाप भी हो जा रहा है प्रॉपर ब्रेक भी हो जा रहा है और तुम अल्टीमेट टली हैप्पी हो लाइफ का अल्टीमेट गोल है कि तुम हैप्पी रहो ठीक है खुश रहो खुश रहना सीखो जो भी काम करो उसमें खुश रहो ठीक है तो ऑल द बेस्ट बाकी ये शेड्यूल तुम फॉलो कर सकते हो अब ये तुम थोड़ा मैनेज कर सकते हो उसमें अपने हिसाब से मे बी कि अभी तुम्हारे लिए एकदम से बारह घंटे पढ़ना डिफिकल्ट हो रहा हो या फिर मे बी कुछ स्टूडेंट जो होंगे उनकी कोचिंग क्लासेस होंगी तो वो स्लॉट्स तुम मॉर्निंग वाला ऊपर का हटा के उसके नीचे से फॉलो कर लेना ठीक है जब से भी तुम्हारी क्लासेस जितना भी टाइम तुम निकाल पा रहे हो तो उस हिसाब से अपने स्लॉट्स बना लेना अब तुम्हें एक काम करना है वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट में अपना पूरा शेड्यूल लिखो मे बी तुम कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो उसमें अपने अकॉर्डिंग तो वो तुम कर लेना और स्लॉट के साथ में तुम अपना सब्जेक्ट भी लिखो कि इस टाइम पर मुझे ये पढ़ना होगा ये वाले लेक्चर लूंगा या फिर ये वाले सेल्फ स्टडी सिक्स आवर की सेल्फ स्टडी का लेक्चर नीचे जाके कमेंट में अपना पूरा शेड्यूल लिखो और फिर तुम उसको फॉलो कर रहे हो देखो एक बेसिक प्लान होना पूरे दिन का बहुत इंपॉर्टेंट है अब मे बी इसमें से कुछ स्लॉट्स तुम्हारे छूट भी जाए तुम बारह घंटे नहीं तुम आठ घंटे तो पढ़ोगे आठ घंटे भी नहीं अगर तुम आठ बारह घंटे का बनाया तो तुम छह से सात घंटे तो पढ़ ही रहोगे ठीक है तो इतना तो तुम मैनेज कर ही सकते हो ईजिली बट ट्राई करो कि थोड़ा 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 करके इम्प्रूव करके एक टाइम पे तुम 12 घंटे स्टडी एक्चुअली दे रहे हो इतना कोई मुश्किल है नहीं स्टूडेंट करते हैं तुम भी कर सकते हो बाकी ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम